नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर दिल्ली से है, जहां आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। जो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बैठक में प्रदेश इकाई को भी बुलाया गया है और यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मोहर लगेगी। करीब 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी और यूपी चुनाव प्रभारी वैजयंत जयपांडा भी इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि करीब 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी और यूपी चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी बैठक बीजेपी की यह दिल्ली में होने जा रही है। आज ये बैठक होगी और इस बैठक में करीब 20 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी आज कर सकती है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आज बीजेपी चुनाव समिति की यह बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, क्या कुछ उस बैठक में होने वाला है, पूरी जानकारी दीजिए। तो अश्विनी से संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चूंकि बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आज बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज बीजेपी करने वाली है। तो चलिए एक बार फिर से अश्विनी का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, क्या कुछ उस पूरी बैठक में रहने वाला है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई। समाजवादी पार्टी से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे, तो वही अब भारतीय जनता पार्टी भी इस संकट में लग गई कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी घोषित किए जाए। आज एक चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री को मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज हम गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा बात करें भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, ये तमाम लोग होंगे जो आज वहां पर मौजूद रहेंगे। संभावना है कि 20 सीटों की जो कठिन सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, जिसमें से 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2019 चुनाव में हारी थी, तमाम अन्य सीटें उन पर आज अपने प्रत्याशियों के अंतिम मोहर लगा सकती है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 15 मार्च तक जो है आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि जो मुश्किल सीटें हैं, थोड़ा टफ सीटें उनके लिए हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। साथ ही साथ जो घटक दल हैं, जो एनडीए में शामिल दल हैं, चाहे वो सुभाषपा की बात करें या फिर ओम निषाद की बात करें, निषाद पार्टी की, या फिर जो है अनुप्रिया पटेल की, अभी हाल ही में आरएलडी भी साथ में आई है, तो इनको तमाम लोगों को भी सीटें जो है बंटवारा करना, सीट शेयरिंग करना है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी कि इनको कितनी सीटें दी जाए। हालांकि संभावना पूरी है कि जो निषाद है पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं इस बार उनके बेटे को फिर टिकट मिल सकती है, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। इसके अलावा सुभाषपा को एक सीट मिल सकती है, अनुप्रिया
पटेल को 1 से 2 सीटों का ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें या संभावना बहुत अधिकतम 3 सीटें आरएलडी के खाते में जा सकती है, जिसमें से 2 सीटें आरएलडी के सिंबल पर होंगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही आरएलडी का प्रत्याशी लड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर इन पर मंथन चल रहा है, इन पर भी अंतिम मोहर लग सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश चुनावी लिहाज से, क्योंकि आज जो कुछ तय होगा वो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिन में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज अगर प्रत्याशियों की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस चुनावी जो माहौल है, सरगर्मियां हैं, वो तेज हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें 14 सीटों को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि परिस्थितियां तब अलग थी, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में सपा और बसपा एक साथ आई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ी थी। लेकिन इस बार की जो गणित है, इस बार की परिस्थितियां हैं थोड़ी अलग, क्योंकि बसपा और कांग्रेस एक साथ, माफी, सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही। हालांकि कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा। पिछले 2019 चुनाव में एक सीट जो भी रायबरेली जो परंपरागत सीट थी, इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में एक विधायक बसपा का बन के आया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा एकदम खत्म मानी जा रही है, सपा और भाजपा की सीट टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच भी बसपा कितना नुकसान करेगी, किसका, ये सवाल है। क्योंकि बसपा अगर प्रत्याशी उतारती है, दमदार प्रत्याशी उतारती है, तो इससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का मंथन भी होगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां के लिए मुफीद रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।